एक्शन प्रोग्राम के तहत 33 बटालियन सीआरपीएफ ने आज डोडा के एक सुदूर गांव गुतासा में एक हेल्थ कैंप का ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें यहां बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं के लिए हम लोगों ने निःशुल्क हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया है। इसमें यहां के हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के सहयोग से यहाँ डॉक्टर्स आए हुए हैं, जिसमें 2 लेडी डॉक्टर्स और 3 जेंट्स, कुल 5 डॉक्टर हैं। हम लोगों ने यहाँ हेल्थ कैंप फ्री में जांच किया सभी का और निःशुल्क दवा उपलब्ध कराए। यहाँ लगभग हजारों की संख्या में मरीज आए और यहाँ उनको निःशुल्क जांच करके हम लोगों ने दवा दिया। यह कार्यक्रम हम लोगों का पब्लिक के साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप करने के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है और इस सिलसिले में हम लोगों ने और भी हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करना है। 4-5 दिन पहले इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पर सीआरपीएफ और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भद्रवा की तरफ से मुतासा में कैंप लगने जा रहा है। यहाँ से भद्रवा जाना है, गाड़ियों की कमी होती है, गाड़ियों की प्रॉब्लम होती है। और एक तो खुशी की बात यह है कि यहाँ गरीब लोग रहते हैं और यहाँ फ्री कैंप लगा है। हम सीआरपीएफ जो है या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो भद्रवा है, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आगे के लिए भी हम उम्मीद रखते हैं कि ऐसे ऐसे गांव में गुतासा जैसा है, दूसरे और भी गांव जो है जो कि पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, गरीब लोग होते हैं, अगर गरीब लोगों की इसी तरह मदद की जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे गुतासा गाँव में आए हैं इन कोलैबोरेशन विद द 33 बटालियन ऑफ सीआरपीएफ। तो यहाँ हमने एक कैंप लगाया हुआ है इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि एक थोड़ा सा रिमोट एरिया पड़ता है, लोगों को बेनिफिट हो, डोर स्टेप पे हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इंतज़ाम सारा सीआरपी वालों का इंतज़ाम है और हॉस्पिटल की तरफ से स्टाफ प्रोवाइड किया गया है ताकि लोगों की एक जो जितना भी चेकअप वगैरह है वो हो सके। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अभी तक यहाँ पे चेकअप करवा चुके हैं। ज़्यादा ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके बाद कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम्स है लोगों की, उन सब के लिए हमने ऑन द स्पॉट चेकअप भी कुछ किया है और ट्रीटमेंट भी लोगों को प्रोवाइड हुआ है।